अस्सलाम वालेकुम। हम हज कमेटी के मार्फत मक्का आए हैं और मक्का से ताइफ उमरा के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर मीकात पर पुलिस वालों ने रोक लिया है। चेक पोस्ट पर तकरीबन 20-25 गाड़ियां हैं और लगभग हमको यहाँ पे 4-5 घंटे से रोक के रखा है और कोई सुनवाई नहीं है। मौलिम को फोन करो तो वो बोलता है रॉन्ग नंबर। किसी को भी कांटेक्ट करो तो कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। यहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है। ये देख लीजिए, मैं आपको ऐसा लगता हूँ झूठ बोल रहा हूँ तो जितने भी हाजी हजरात खड़े होंगे ये आप देख सकते हैं कितना परेशान होंगे। और कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ अरबी का आएगा, वो लोग कुछ मानते नहीं हमारी बात। हमारे पास वीजा की कॉपी है, पासपोर्ट कॉपी है, परमिशन है हमारे पास, फिर भी हमको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और एटलीस्ट कम से कम पेशाब पानी की भी तकलीफ है, खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं दिया जा रहा है। तो इंडियन एम्बेसी में बात करो, कुछ भी करो, हमारी हेल्प करो। वहां से अगर हो सकता है किसी को, कोई भी भाई अगर हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज वहां से हमारी हेल्प करो। अभी हम ताइफ में फंसे हुए हैं।